नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रेजी फॉर फूड में। मैं पूजा बड़ोकोटी आज आपके लिए लेकर आई हूँ पहाड़ी बिरयानी। पहाड़ी बिरयानी बनाने के लिए मेरे पास है थोड़ा सा 2 टमाटर कटे हुए, 4 हरी मिर्च, 2 बड़े प्याज, आलू, शिमला मिर्च और अभी मैं इसमें मटर और डालने वाली हूँ। पहाड़ी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल को गरम करें। अब तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से तोड़ के मैंने बड़ी इलायची को ले लिया है, इसको डालेंगे 2 बड़ी इलायची। जावित्री 3 से 4 काली मिर्च, ये जीरा आपका क्रैकर हो चुका है, देखिए आवाज आ रही है। इसके बाद आप डालेंगे इसमें प्याज, प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। देखिए प्याज अब थोड़ा सा भूनने लगा है, इसमें डाल दीजिए तेज पत्ता और डालिए आप ये हरी इलायची जो कि मैंने तोड़ दिया है, इसको भी डाल दीजिए। आप चाहें तो थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई अभी भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, तो मैंने अभी डाल दी है थोड़ी सी। चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगोने के लिए आप रख दिया था, तो जब भी आप इसे बनाने की सोचें तो आधे घंटे पहले चावल आपके भीगे हुए होने चाहिए और उसमें देखिए उंगली के इतनी उंगली तक आपको पानी में उस चावल को, चावल के ऊपर से पानी का लेवल इतना रखना है और जितने पानी में आपने चावल को भिगाया है उतने ही पानी में हम बिरयानी को बनाएंगे, तो उस पानी को हमें फेंकना भी नहीं है, उसको यूज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें जो सब्जियां हैं, मिक्स सब्जियां जो मैंने तो इसमें मटर और शिमला मिर्च और आलू लिए हैं, आप और सब्जियां चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर है आपका और भी कोई सी सब्जी है, फूल गोभी का इस समय सीजन नहीं है तो जो फूल गोभी भी इसमें जरूर डलती है वो भी आप डालिए तो बहुत अच्छा है। आप लाल वाले गाजर और जो थोड़े ऑरेंज कलर के आते हैं वो गाजर भी इसमें काट के डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको ऐसे मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छे से और इसको अभी हम ऐसे ही भाप में थोड़ा सा पकने देंगे, इससे इसका ऐसा लगेगा जैसे हमने इसको डीप फ्राई करके डाला है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, काफी देर हो चुकी है, मैं इसको ढक्कन को हटाती हूँ। अब आप देखेंगे, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है आपको जैसे उसको डीप फ्राई कर दिया है। कम तेल में आप इस तरह से बना के देखिएगा तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप 4 लोगों के लिए भी बना लोगे ना, अपने अकॉर्डिंग आप चावल रखिए, 4 लोगों के अकॉर्डिंग आप देखिए ये कम पड़ जाएगी। सब इतनी मांगते रहेंगे और आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने कम बना दी, मुझे थोड़ी और बनानी चाहिए थी। अब जब हमारी ये जो वेजिटेबल है इस स्टेज पे आ गई है तो इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसमें अब चावल जो हमने भिगा के रखे हुए हैं उसको बगैर पानी के निकाल के इसमें ऐड कर देना है। देखिए मैं बताती हूँ कैसे करना है, ये मैंने चावल भिगा के रखे थे, ये देखिए आप इस तरह से लीजिए और देखिए पानी सारा नीचे गिर गया और इसको ऐसे इसमें डाल दीजिए।
चावल डालने के बाद आप इसको इस तरह से धीरे धीरे मिक्स कीजिए, नहीं तो चावल क्योंकि भीगे हुए हैं तो वो टूट भी सकते हैं, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे आपको इसको इसमें ऐसे मिक्स कर। अब हम इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला ना भी डालना चाहें तो चलेगा, क्योंकि हमने खड़े मसाले तो डाले हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया डालिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने इसमें ये नमक, ये मिर्च, हल्दी, धनिया और ये बीच में थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब आप इसको धीरे धीरे दोबारा से मिक्स करेंगे, बहुत धीरे धीरे इस प्रकार से। अब इसमें थोड़ा सा आप ये पुदीना ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, इस पुदीने को भी आप इसके अंदर ही ऐसे मिक्स कर देंगे, और जब आपको लगे कि ये नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया जो आपने मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं, उसके बाद आपको ये टमाटर जो मैंने काट के रखा था और इसमें ये हरी मिर्च भी मैंने काटी है तो ये इसमें आपको ऐड कर देंगे, और फिर इसको भी आप बहुत धीरे धीरे ऐसे मिक्स करेंगे। अब ये भी थोड़ा सा देखें, टमाटर डालने के बाद लास्ट में आपको ये लहसुन जो मैंने कूट के रखा है इसको इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन भी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा आपका मन है, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद आता है। इस लहसुन को भी ऐसे कर देंगे मिक्स इसमें। इससे क्या होगा, अगर हम शुरुआत में लहसुन डाल देते ना तो वो उसका उसको खुशबू जो होती है ना इतनी नहीं आती जितनी अब इस कच्ची लहसुन जो ऊपर से डाली है इसकी आएगी, और अब ये लहसुन भी इसके अंदर अच्छे से हो गया। तो अब हम ये बचा हुआ जो चावल का पानी है वो उसी चावल के बचे हुए पानी से इस पूरे बिरयानी को हम कुक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बचा हुआ चावल का पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, और अब ये इसी पानी में इसको हम थोड़ा पहले तेज करेंगे, गैस की आंच थोड़ा तेज करेंगे फुल पे, और जब इसको ऐसे बॉईल खूब बॉईल होने लगे बहुत ज्यादा उसके बाद आप इसको धी सिम कर देंगे बिल्कुल, और फिर मध्यम आंच में इसको हम पकाएंगे। अभी मैं इसको ऐसे ढक्कन लगा देती हूं। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें तेज आंच करके ये इस तरह से इसका पानी अब उबलना खत्म हो चुका है। अब इस स्टेज पे आके आपको गैस को बिल्कुल सिम कर लेना है और इसको ढक्कन से फिर दोबारा ये ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब बिरयानी बनकर के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए इसको ऐसे ही बंद करके रखेंगे, रेस्ट करने देंगे, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है इसकी प्लेटिंग करने के लिए, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप इसको निकालें तो आप ऐसे बीच में करछी डाल के बिल्कुल भी ना निकालें। इसको निकालने का तरीका ये साइड में से आप इस तरह से ऐसे करके निकालेंगे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ी बिरयानी बनकर करके रेडी हो चुकी है। अब आप जल्दी से इसको बनाइए घर पे और इसका स्वाद लीजिए। मेरा चैनल देखने के लिए और ये वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।